कितने कैसे काम आपको कि जहाँ पे ऐसी जरूरत हो उस समय हम लोग आपके साथ चले, सारे मिलजुल के किसानों से बात करें। कितने गांव आपको लगे? 10-20 हम सर इकट्ठी करते हैं रोध गांव से, मान डोटी से, मैं खेड़ी जट से। सर ये पुराली इकट्ठी करते हैं, लोग आग लगा देते हैं, इसका कुछ हमारा इंश्योरेंस वगैरह का कुछ हो सकता है? आपको लेना पड़ेगा, ये कंडीशन है कि आपको सर प्लीज। इसके बारे में थोड़ा सा हर साल की तरह इस बार भी किसान मेले का आयोजन किया गया प्रशासन द्वारा, और इसमें मुख्यतः जो नई मशीनरी हो या कोई नए सीड्स आए हों उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, जिन किसानों ने कुछ अच्छा काम किया हो उसको डिस्प्ले करके दूसरे किसानों को प्रेरणा देना, या जिन किसानों ने कोई अलग अलग फील्ड में अच्छा काम किया हो उनको प्रशंसा पत्र देकर उनका सम्मान बढ़ाना, यही मकसद है इस मेले का। और इस तरह के मेलों का आयोजन होते रहना चाहिए ताकि लोगों में जो नई चीज़ें हों उसके प्रति जागरूकता बढ़े। पहले देखा जाता था पराली जलाने के मामले सामने आते रहते थे, अब की बार पराली बहुत कम जलाएगी, नए के बराबर जलाएगी इसके बारे। देखिए ये तो मैं सारे पत्रकार छायाकार बंधुओं को, सारे प्रशासन को, सारे ऐसे प्रोग्रेसिव लोग जिन्होंने इसको एक मुहिम के रूप में लिया, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई, और उसी का रिजल्ट है कि पिछले साल कोई भी ऐसा यहाँ पे केस नहीं आया जिसमें पराली जलाने की कोई घटना का उसके कारण हमें किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी। और मैं आगे भी सभी से ये निवेदन करूंगा कि इस समस्या को हर एक आदमी अपनी समस्या समझे, और जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा समाधान है। कभी भी इस तरह की जो पराली जलाना हो गया या और दूसरी चीज़ कोई भी चीज़ जलाने वाली, इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दें। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ईट भट्टे बंद किए गए तो कोई ईट भट्टा चालू पाया जाता है? ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश से पहले 30 जनवरी तक सारे भट्टे बंद थे, अब दूसरा आदेश हुआ है उसमें इनको खोला नहीं गया है। कुछ रिपोर्ट्स पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मांगी गई है, वो रिपोर्ट जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सबमिट हो जाएंगी उसी के बाद आगे इसके ऊपर जैसा भी फैसला आएगा उसके अनुसार प्रशासन कार्रवाई करेगा। इस बारे में सारी जो भी एसोसिएशंस हैं उनको अवगत करा दिया गया है कि जब तक माननीय कोर्ट का आदेश ना आए कोई भी अपना भट्टा ना चलाए, अगर कोई चलता पाया गया तो एसडीएम्स की अध्यक्षता में टीमें बनाई हैं, वो चेक करेंगे और कार्रवाई करेंगे।